हेलो दोस्तों, केपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि JWST क्या है, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, क्या वो हमें टाइम ट्रैवल करवा सकता है, तो कैसे करवा सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली JWST एक स्पेस टेलीस्कोप है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और वो L2 लाग्रांजियन पॉइंट पर स्थित है। लाग्रांजियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे नहीं लगती, वहाँ पे कोई असर नहीं डालती। जैसे कि उस पॉइंट पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां से नहीं हिलेगा, वो पृथ्वी के आसपास जो परिभ्रमण करेगा वो नहीं करेगा। तो ये L2 लाग्रांजियन पॉइंट कहाँ पे है? तो पिक्चर में दिखाया हुआ है कि L2 पॉइंट कहाँ पे है, यानी कि L2 और सूर्य के बीच में ही पृथ्वी रहेगी। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी उसके साथ साथ L2 पॉइंट भी घूमेगा, लेकिन वो पृथ्वी के बीच में रख के ही घूमेगा। चलिए, इतने ऐसे और कितने लाग्रांजियन पॉइंट है जहाँ पे पृथ्वी और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती? तो इसमें कुल 5 लाग्रांजियन पॉइंट है जिनमें से L2 पर हमारा JWST स्थित है। JWST को उसी पॉइंट पर रखने की वजह भी है, क्योंकि JWST मिड इंफ्रारेड में काम करेगा, तो उसके लिए इस मिशन में हमें ठंडा रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सैटेलाइट को, इस टेलीस्कोप को सन के सामने रखेंगे तो उसकी रेडिएशन उसे गर्म कर देगी, इसकी वजह से वो मिड इंफ्रारेड वाली जो पिक्चर है वो नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें इस टेलीस्कोप को पृथ्वी के पीछे के साइड, यानी कि अंधेरे की साइड रखना होगा। आगे देखें, JWST हमें टाइम ट्रैवल कैसे करवाएगा? तो JWST हमें भूतकाल ही दिखा सकता है, लेकिन वो हमें भविष्य नहीं दिखा सकता। वो कैसे? वह जानने के लिए हमें लाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम इंटरवल लेती है, यानी कि कुछ समय लगता है। जैसे कि शून्य अवकाश में जहाँ पे कोई भी वायु नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है, वहाँ पे लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्पीड है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि कोई भी पदार्थ में से रिलीज होने वाली कोई भी लाइट है वो हमारी आंख में आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वह इंस्टेंट हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना होता है। बहुत दूर से आने वाली जो लाइट है उसका क्या? जैसे कि दूसरे तारों में से आने वाली जो लाइट है वो कितनी पुरानी होगी? तो हम ये जानेंगे कि वो कितनी दूर है। तो दूसरे तारों के डिस्टेंस नापने जरूरी है। तो दूसरे तारों की जो डिस्टेंस है वह लाइट ईयर में नापी जाती है, यानी कि एक लाइट है जो एक ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वह एक लाइट ईयर के बराबर होगा। एक लाइट ईयर यानी कि एक ईयर में प्रकाश जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको 1 लाइट ईयर कहेंगे, यानी कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस से आने वाला प्रकाश एक ईयर पुराना होगा, और जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना लाइट पुराना होगा। तो इस तरह से हम भूतकाल को देख सकते हैं, लेकिन हम भविष्य नहीं देख सकते।